शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर इलाके की अगर हम बात करें तो सोपोर में जो है अभी कुछ देर पहले जो है एक हादसा पेश आया। 26 साल लड़का जिसका नाम दानिश खजर बताया जा रहा है, सन ऑफ खजर मोहम्मद भट्ट, जो कि बादाम बाग सोपोर के रहने वाला है, और वो जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से गंभीर रूप से जो है घायल हुआ और उसके बाद जो है उसको SDH हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया। मैं आपको तफसीलन बताना चाहूँगा कि कुछ देर पहले जो है बादाम बाग सोपोर का रहने वाला जो दानिश है वो जो है अपने कम्प्लेक्स के अंदर बादाम बाग में जो है वो वहाँ पर कुछ काम कर रहा था, तो उसी के चलते अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो वहाँ पर 22 RR के कुछ जवान वहाँ पर पहुँचे और उसको जो है दानिश को जो है अपने साथ वहाँ से ले गए और उसको कहा गया कि एक CCTV कैमरा जो है आपको एक पोल पर इलेक्ट्रिक पोल पर जो है इंस्टॉल करना है, तो जिसके चलते उसके दानिश जो है एक इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ा और एक CCTV कैमरा जो है वहाँ पर नस्ब करने लगा और जिसके चलते उसको जो है बिजली करंट लगा और जिस करंट के बाद जो है वो बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हुआ है। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फैमिली मेंबर्स के साथ साथ जो वहाँ पे मुकामी लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे और दानिश को जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर जो है वहाँ पर पहुँचाया, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उसके बाद अगर हम देखें वहाँ पर डॉक्टरों ने जो है उसको फर्स्ट एड देकर SMHS श्रीनगर मज़ीद इलाज मुआलजे के लिए वहाँ से जो है रेफ़र किया गया है। और फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो इस हवाले से अगर हम SSP शबीर नवाब की बात करें तो पुलिस स्टेशन सोपोर में जो है एक केस भी दर्ज किया गया है कि FIR भी जो है वो इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ जो है एक FIR भी दर्ज की गई है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई है। और यहाँ पर अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें या जो वहाँ पर लोग जमा थे तो उन्होंने जो है हॉस्पिटल के अंदर फिर जो है एक प्रोटेस्ट किया और उनका कहना है कि कतई रूप पर आर्मी की नेग्लिजेंस की वजह से जो है ये हादसा पेश आया जिसमें जो है दानिश गंभीर रूप से फ़िलहाल के तौर पर ज़ख्मी है और फ़िलहाल उसको जो है इलाज मालजे के लिए श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया और वहाँ पर अभी भी जो है उसका इलाज चल रहा है। और वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने जो है इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की है और FIR भी जो है FIR दर्ज की गई है सोपोर पुलिस स्टेशन में और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू की गई। और उस हवाले से अगर हम फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो फैमिली का कहना है कि ये जो है बिल्कुल नेग्लिजेंस है जो इंडियन आर्मी की जानिब से जो है वहाँ पर की गई और दानिश को जो है वहाँ पर कहा गया कि आपको जो है एक CCTV कैमरा नस्ब करना है एक इलेक्ट्रिक पोल पे, और जो ही इलेक्ट्रिक पोल पे दानिश चढ़ा तो वहाँ पर जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है वो गंभीर रूप से जो है घायल हुए हैं और उसके बाद जो है उसको SDH हॉस्पिटल मुंतकिल किया, मज़ीद इलाज मालजे के लिए जो है उसको श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल जो है फ़िलहाल रेफ़र किया गया है। और इस हवाले से अभी जो है इन्वेस्टिगेशन सोपोर पुलिस की बात करें तो सोपोर पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और एक FIR भी जो है वो भी दर्ज की। ये बिल्डिंग में ओनक दल अस लग सी कैमरा लोग सत्या ट्रांसफार्मर बाईपासस पे दुकान नश सन नश यह खोलुक अगर यह पोलस खोल उन पावर गोड़ चटन यह खोलुक पोलस एकदम टास टास कर यह फिटिंग कर यह पन्न बाईपास पे आर्मी वाले जो गाड़ ब्रोह कम فون کر اس چھٹین اس پتہ تو من اس چھٹین یہ کہ اس تو یہ اس جم ساتھ یم ساتھ یہ انسیڈنٹ یم ساتھ یہ بچ پتھر پیونس تم ساتھ کیا اس آرمی ہن رول تہن ریکشن کیا روز آرمی روزا تات کم تم چے تم اس تاتی پتہ ائی لڑکا ائی نہ لڑکو تول آرمی ول سے درائی پتہ امنی پتہ اس چھٹے تم پتہ اس اس تم کرا وہ تم کیا دچ سان وہ اس تم چے تو کتے روز تم پتہ پتہ اس تو آرمی بائی پاس تے اس ائی پتہ اس ائی پتہ اچھا ونس مس یہ تھیما کہ ایم شوسن آرمی کال کارڈ نہ تم سوس آرمی چھن کے پتہ کہ نہ تقریباً ایج کیا ہے اس میں یہ اس وہ اکو اور بس تو بے کوتا
تہد کیا مطالبہ انصاف انصاف آرمی ول کی کھت نا پان تمہن پان کھسن بولس بالکل اگر نا تمہن پان تسن مگر توت کر دن پاور چٹو پاور چٹو ڈپارٹمنٹس کرو فون پاور چٹو یہ کال پالس کن ماج نٹھ دہ دپا اگر توت چھ برہ کن اگر اخ نیو خدا صبن اخ چھ برہ یہ کئی اچھ گاش آرمی ول کی کھت نا پان اگر نا پان کھسن تمہن پان کھسن کھس زو پان تمہن کیا تمہن کیا سیود تو سادہ ؤنو 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 بائی پاس